हाय गाइस, आप लोग कैसा हो? आशा करते हो आप लोग ठीक हो। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो कुछ इस तरह से एडिट हुआ है। तो गाइस, आप लोग भी चाहते हो कुछ मेरे जैसा फोटो एडिट करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो छोड़ूंगा तब आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, वो भी सबसे पहले। तो गाइस, वीडियो अच्छी रहे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन अंदर आ जाना है। गाइस, तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं बैकग्राउंड को लेकर मैं अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूं। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको देख सकते हो गाइस, उसके बाद आपको इस ऐड वाली फ़ोटो में आपको आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आने के बाद आपको अपने मॉडल का फ़ोटो ले लेना है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, आप लोग भी चाहते हो कुछ इस तरह से HD क्वालिटी में फ़ोटो को बैकग्राउंड रिमूव करना, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप चाहो तो उससे देख सकते हो। तो करने के बाद आपको कुछ फ़ोटो को इस तरह से जूम कर लेना है, जूम कर अच्छी तरह से बैकग्राउंड में लगा देना है, इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, देख सकते हो, लगाने के बाद आपको इस पर टैप कर देना है, इस पर देख सकते हो बैकग्राउंड पे एक बार टैप कर देना है। टैप कर आपको इस इरेज पे आ जाना है। आने के बाद आपको देख सकते हो गाइस, इस पर क्लिक कर आपको इस तरह से छोटा कर लेना है, छोटा कर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से फ़ोटो को आपको जूम कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से नीचे की ओर इस तरह से इरेज कर देना है, अच्छी तरह से इरेज कर देना है, क्योंकि मेरा जो फोटो है उसका बैकग्राउंड के साथ मैचिंग आ जाए, इसलिए इसको अच्छी तरह से इरेज कर देना है। तो चले गाइस, मैं इसको अच्छी तरह से इरेज कर लेता हूँ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चले गाइस, मैं कर लेता हूँ अच्छी तरह से इरेज। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा इरेज करना हो चुका है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो इस राइट पे आपको क्लिक कर देना है, देख सकते हो इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस ऐड फोटो में आपको फिर से आ जाना है गाइस, देख सकते हो ऐड फोटो में आपको आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आने के बाद आपको एक PNG ले लेना है गाइस। तो चलिए गाइस, मैं एक PNG ले लेता हूँ। तो गाइस, मैं जो भी PNG यूज़ करूँगा सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी। तो देख सकते हो गाइस, मैं PNG को ले चुका हूँ, देख सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको PNG को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है, जूम कर आपको नीचे की ओर लगा देना है, इस तरह से। लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, देख सकते हो, लगाने के बाद आपको देख सकते हो इस पे आपको आ जाना है, देख सकते हो ब्लेंड में आपको आ जाना है इस पे। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आने के बाद आपको स्क्रीन कर देना है। बहुत ही बढ़िया, स्क्रीन हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बैकग्राउंड में आपको एक टैप कर देना है, इस तरह से। बहुत ही बढ़िया हो गया है। उसके बाद आपको ऐड वाली फ़ोटो में आपको फिर से आ जाना है गाइस, देख सकते हो ऐड वाली फ़ोटो। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आने के बाद आपको और एक PNG ले लेना है। तो चले गाइस, मैं और एक PNG ले लेता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं और एक PNG ले चुका हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी इस तरह से जूम कर नीचे की ओर अच्छी तरह से लगा देना है, इस तरह से। बहुत ही बढ़िया लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, लगाने के बाद आपको फिर से उसी में आ जाना है, देख सकते हो ब्लेंड में आकर आपको इसको भी स्क्रीन कर देना है। बहुत ही बढ़िया हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, देख सकते हो मेरा हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको देख सकते हो इस राइट वाली देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरा फोटो हो चुका है फाइनली। तो उसके बाद आपको इस ऐड वाली फ़ोटो में आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आने के बाद आपको और कुछ PNG ऐड कर लेना है गाइस। तो चलिए, मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं ऐड कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, देख सकते हो। तो गाइस, आपको इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेना है गाइस। तो चलिए, मैं इसको अच्छी तरह से लगा देता हूँ, इसको ऊपर में लगा देना है गाइस। इस पे आकर आपको
इस ब्लेंड में आकर आपको इसको भी स्क्रीन कर देना है गाइस, इस पर क्लिक कर कर स्क्रीन कर देना है इस तरह से। बहुत ही बढ़िया हो गया है, डन। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको देख सकते हो इस तरह से थोड़ी सी जूम कर कर अच्छी तरह से लगा देना है। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद इस आँखों में क्लिक कर कर देख सकते हो, इस पर क्लिक कर कर, इस पर क्लिक कर कर आपको लेयर पे क्लिक कर देना है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं लेयर वाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर कर आपको डबल कर लेना है गाइस, आँखों को डबल कर लेना है। बहुत ही बढ़िया। करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, करने के बाद आपको अच्छी तरह से लगा देना है गाइस, अच्छी तरह से आँखों के ऊपर में अच्छी तरह से लगा देना है। बहुत ही बढ़िया। इसको भी अच्छी तरह से लगा देना है, अच्छी तरह से लगा देना है। बहुत ही बढ़िया हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको देख सकते हो इस इरेज वाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इस पर इरेज पर क्लिक कर कर आपको अच्छी तरह से छोटा कर कर इस तरह से इरेज कर लेना है। बहुत ही बढ़िया। इस तरह से इरेज कर लेना है, सॉरी अभी नहीं होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इरेज हो चुका था। उसके बाद आपको इस आँखों में फिर से आपको टैप कर कर आपको इरेज कर लेना है, इस तरह से इरेज कर लेना है। देख सकते हो इस तरह से इरेज कर लेना है। बहुत ही बढ़िया हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको देख सकते हो मेरा फाइनल हो, तो उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है गाइस, राइट पर क्लिक करते हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, एक आँखों में आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हो इस आँखों में क्लिक कर कर आपको क्या करना पड़ेगा, आँखों में क्लिक कर कर आपको ब्लेंड में आ जाना है गाइस। देख सकते हो ये ब्लेंड, ये वाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया। क्लिक कर कर आपको इसको भी स्क्रीन कर देना है, हो चुका है। दूसरे वाली को भी आपको स्क्रीन कर देना है। देख सकते हो गाइस, इसको भी स्क्रीन कर देना है, हो चुका है, डन। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, देख सकते हो ये वाली, उसके बाद इसको टैप कर कर इस तरह से छोटा कर लेना है। बहुत ही बढ़िया। छोटा कर कर आपको अपनी फ़ोटो के मुताबिक एडजस्ट कर कर आपको लगा देना है। तो देख सकते हैं गाइस मेरा हो चुका है अच्छी तरह से लगाना। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो मेरा हो चुका है। तो आपको देख सकते हो आपको राइट पे आपको क्लिक कर देना है गाइस। देख सकते हो ये ऊपर में कॉर्नर पर राइट, देख सकते हो ये चिन्ह, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, देख सकते हो, उसके बाद आपको देख सकते हो ये टूल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो गाइस मैं क्लिक कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपको ए वाले इफेक्ट पे आ जाना है गाइस। देख सकते हो ए वाले इफेक्ट पे आपको आ जाना है, इस पर देख सकते हो गाइस, गौर से देख लीजिए। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ब्राइट देख सकते हो, ब्राइटनेस ऊपर में, इस पर आपको क्लिक कर कर आपको ब्राइटनेस को माइनस की ओर कर देना है गाइस। करीब देख सकते हो, करीब इतना देख सकते हो, इतना तो हो गया है, डन। उसके बाद आपको इरेज वाली पे आपको क्लिक कर देना है गाइस। देख सकते हो इस इरेज वाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं क्लिक कर चुका हूँ। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है गाइस, इन भार्ट पे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक देख सकते हो गाइस हो चुका है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है गाइस, ब्रश पे, इस पर देख सकते हो ये ब्रश वाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर कर आपको इस तरह से कुछ कर लेना है, इसको छोटा कर लेना है, साइज को छोटा कर कर आपको इस तरह से पेंट कर देना है गाइस, इस तरह से। बहुत ही बढ़िया। इस तरह से आपको पेंट कर देना है, इस तरह से थोड़ी बड़ा कर लेता हूँ, इस तरह से आपको पेंट कर देना है। तो गाइस मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। तो गाइस आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा फाइनली हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको इस राइट पर आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हो ये राइट पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया, क्लिक कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है गाइस। क्वालिटी को देख सकते हो गाइस नीचे वाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्वालिटी देख सकते हो, इस पर क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी सी क्वालिटी दे देना है। बहुत ही बढ़िया, इस तरह से दे देना है। देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, नीचे वाली देख सकते हो गाइस, नीचे आ जाना है आपको। नीचे आने के बाद आपको देख सकते हो गाइस शैडो, इस पर शैडो, ये देख रहे हो आप लोग शैडो, शैडो आपको थोड़ी सी माइनस की ओर दे देना है, इस तरह से माइनस कर देना है थोड़ी। बहुत ही बढ़िया हो गया है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा इस, उसके बाद आपको राइट पे आपको क्लिक कर देना है, इस राइट वाली देख सकते हो, इस पर कॉर्नर पे। बहुत ही बढ़िया, क्लिक कर देना है।
करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, राइट पे आपको क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो गाइस ड्रॉ टूल, देख सकते हो ड्रॉ टूल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही बढ़िया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कॉर्नर पे 3 डॉट, इस पर आपको क्लिक कर अपनी फोटो को सेव कर लेना है।